आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हिंदुत्व की बोको हरम से तुलना करने पर मुश्किल में सलमान खुर्शीद, कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। देश के 15 राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन, दिल्ली महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे केस, पीएम मोदी ने बुलाए हाई लेवल मीटिंग। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक ही स्कूल में 29 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कानपुर लखनऊ हाईवे पर बस पलटी, एक दर्जन घायल, 6 की हालत गंभीर। काशी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 1,00,000 किसानों को सीधे देंगे बड़ी सौगात, करेंगे संवाद। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। खबर बलरामपुर से है, जहां भाजपा की जन विश्वास यात्रा पहुंची, जिसका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान श्री दत्तगंज के कांदभारी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक और राज्य मंत्री पलटू राम भी मौजूद रहे। जिसके बाद जनता को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री पलटू राम ने कहा कि पूर्व सरकारों ने सिर्फ हमें लूटने का काम किया है। जो बजट पिछली सरकार में दिल्ली से चलता था और मैनपुरी इटावा तक आते आते खत्म हो जाता था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, तब से यूपी में विकास की गंगा बह रही है। वहीं विपक्ष सरकारों पर तीखा प्रहार करते हुए कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि पहले जब हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता था, तब विपक्षी पार्टी के लोग कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, लेकिन योगी सरकार में मनचलों की रूह कांपती है। आगे कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि यात्रा को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि 2022 में भाजपा फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जी, जनसे लाखों की संख्या में बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, नौजवानों ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी 2022 के आम चुनाव में भी 350 से अधिक सीटें जीतेगी, दोबारा सरकार बनाएगी। जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में केवल गुंडों माफियाओं का राज होता है। थानों पर समाजवादी पार्टी के गुंडे कब्जा करके बैठ जाते हैं, सिपाही से लेकर कप्तान तक को पीटा जाता है, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक को बेइज्जत किया जाता है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही कानून का राज स्थापित कर सकती है, इसलिए लोगों का आशीर्वाद। वह विधायक पक्षालिका सिंह की शिकायत के बाद आगरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता सुग्रीव चौहान को नजरबंद कर दिया है। क्योंकि भाजपा की जन विश्वास यात्रा वाहे निकलेगी, इसके दौरान बबाल की आशंका के चलते पुलिस से शिकायत की गई, जिससे सुग्रीव चौहान इस यात्रा में शिरकत ना कर सके, क्योंकि इससे पहले बाइक रैली के दौरान पिनाहट में बड़ा बबाल हुआ था। तो भाजपा नेता को नजरबंद कर दिया गया है। आगरा से यह खबर सामने आ रही है, जहां शिकायत पर कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी एक रैली के दौरान बवाल हो चुका है, जिसके बाद जनविश्वास यात्रा के दौरान बवाल ना हो, इस वजह से नजरबंद किया गया है भाजपा नेता को। तो विधायक की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है, आगरा से एक खबर सामने आ रही है। वह विधायक पक्षालिका सिंह की शिकायत के बाद आगरा पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता सुग्रीव चौहान को नजरबंद कर दिया है। भाजपा की जन विश्वास यात्रा वहां से निकलेगी, यात्रा के दौरान बवाल की आशंका के चलते पुलिस ने इस शिकायत पर एक्शन लिया है। प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कठारिया युवा मोर्चा सम्मेलन में शिरकत करने लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ स्थित पब्लिक इंटर कॉलेज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला करते हुए कहा कि इस चुनाव में सपा साफ हो जाएगी और कांग्रेस के लोग अपने फायदे के लिए बहरूपिया बन जाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ पर फिरोज खान के बेटे बिना धर्म बदले राजीव खान की जगह राजीव गांधी बन जाते हैं।
तो लखीमपुर खीरी में सम्मेलन के दौरान जमकर तंज कसे गए प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कठारिया। युवा मोर्चा सम्मेलन में जब शिरकत करने लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ स्थित पब्लिक इंटर कॉलेज पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा इस चुनाव में सपा साफ हो जाएगी और कांग्रेस के लोग अपने फायदे के लिए बहरूपिया बन जाते हैं, तो कांग्रेस को बहरूपिया बताया है और जमकर निशाना साधा है। खबर चंदौली से है जहां शाहबागगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने युवक पर धर्मांतरण करके निकाह करने का आरोप लगाया, जिसके बाद लड़की ने एडिशनल एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि गांव के ही एक युवक ने चाकू के बल पर युवती को बलपूर्वक बाइक पर बैठा लिया और धमकाते हुए कहा कि तुम्हारे माता पिता और भाई को जान से मार डालेंगे, जिसके बाद युवक युवती से जबरदस्ती निकाह करने लगा और वहां मौजूद लोगों ने विवाह बढ़ता देखकर पुलिस को सूचना दी, जिससे युवती मौके से जान बचाकर निकल पाई। मैं उसको जा रही थी तो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे और बोली तुम चलो मेरे साथ नहीं तुम्हारे माता पिता को मार डालेंगे, तुम्हारे परिवार को उठा लेंगे, तुमको मार देंगे। मुझे छुरा दिखा कर वो लोग जबरदस्ती बैठा रहे थे, मुझे साइकिल पर से धकेल दिए और मार दिए, मेरा मुंह बांध कर वो लोग ले गए, तलवार भी फट गया था और मुझे बोले कि जबरदस्ती चलो निकाह वो लोग करवाए। खबर चंदौली से है जहां पिछले कई दिनों से धान नहीं खरीदे जाने की किसान शिकायत करते रहे थे, जिसके बाद अब किसानों की शिकायत पर धान क्रय केंद्र का जॉइंट मजिस्ट्रेट ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतिदिन 100 क्विंटल से भी कम हो रही धान खरीद और स्टॉक रजिस्टर भी नहीं मिलने पर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए धान क्रय केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया है। मसोई क्रय केंद्र जो कि साहबगंज विकास खंड के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर धान क्रय केंद्र से संबंधी कई शिकायतें लगातार किसानों द्वारा की जा रही थी। उसी के क्रम में आज औचक स्थलीय निरीक्षण किया गया और किसानों की शिकायतें जैसे कि टोकन का इशू ना होना या 100 क्विंटल से ज्यादा प्रतिदिन का खरीद ना होना या कई दिन तक लगातार क्रय केंद्र का बंद रहना, साथ ही साथ वहां पर कोई स्टॉक रजिस्टर का मेंटेन नहीं होना, ये शो नहीं करना कि प्रतिदिन कितनी खरीद हो रही है, कितना उठान हो रहा है और इस वजह से जहां पर लगभग 20-25% तक की अभी खरीद हो जानी चाहिए थी सिर्फ 4-5% खरीद ही अब तक हो पाई है। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और उसके साथ साथ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तत्काल उसका रिप्लेसमेंट जारी करें और बोरों की जो उपलब्धता की कमी है उसको भी। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी की सहयोगी गोंडवाना पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ गौड़ ने सपा कार्यालय में शिरकत की और इस कार्यक्रम में गोंडवाना समाज के लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर इस मौके पर रामनाथ गौड़ ने प्रदेश सरकार को जन विरोधी सरकार करार दिया और अपने समाज के लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की, जिससे एक बार फिर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सके। खबर फरुखाबाद के जिला अस्पताल लोहिया से है जहां भर्ती युवक ने हाथ की नस काट ली, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। गांव खुदागंज में दबंगों की मारपीट में घायल हुए युवक को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया था, जहां भर्ती युवक ने उपचार के दौरान चाकू से हाथ की नस काट कर आत्महत्या करने की कोशिश की। नस काटने से अस्पताल प्रशासन समेत पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घायल युवक ने चौकी इंचार्ज खुदागंज पर दबाव बनाकर समझौता कराने का आरोप लगाया है, जिससे आहत होकर युवक ने अपने हाथ की नस काट ली। मामला सर हमारे चौकी इंचार्ज साहब हमें प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों से मिलकर। कौन चौकी इंचार्ज? हमारे चौकी इंचार्ज शिव प्रताप वर्मा, दूसरी पक्ष से पैसे ले लिए। किस मामले में पैसे ले लिए, क्या हो गया? लड़ाई झगड़ा हुआ सर, हम लोगों ने हमें मारा पीटा भी और अपने घर पे खींच के ले गए, वहीं डाल दिया, मारा पीटा और जब मेरे घर पे जाके कह दिया कि जाओ अपने तुम्हारे पापा गाली दे रहे हैं हम लोगों को, वहाँ पड़े हुए उठा लाओ। जब मेरे बच्चे और मेरे भतीजे और पापा मेरे गए बूढ़े नाड़े उठाने के लिए, जब वो उठाने लगे झुके हैं तो सर पीछे से वो लोग उनको भी मारने लगे और पुलिस बुला दी और ये कह दिया कि ये सब लोग घर पे आ गए हमारे, हम लोगों को मारने लगे और हमारे साथ बदसलूकी की। और सुबह साहब उन्होंने, कौन लोग थे वो? उनके घर वाले जिन्होंने मेरा लड़ाई झगड़ा। क्या नाम है साहब? उनका नाम है महेंद्र
जुगिंदर सम्राट और मिंटू सिंटू रुकमंगल और सुमांशु इन लोगों ने साहब हमारे। खबर रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के सैदपुर गांव से है, जहां न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए दबंगों ने पीड़ित की खड़ी गेहूं की फसल पर अवैध कब्जा कर लिया। इस दौरान पीड़ित युवक ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर लगभग 3 बीघा खेत में हर साल की तरह इस साल भी गेहूं की बुआई की गई, जिसको गांव के दबंगों ने लाठी डंडों से लैस होकर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर अवैध कब्जा कर लिया, जिसकी सूचना पुलिस को देने के बाद पुलिस ने आरोपियों को बचाव करते हुए शांति भंग में चलान करके खानापूर्ति कर दी। समस्या ये हुई कि हमारी जमीन पे अपने कब्जा पे जब गेहूं बो रखा था, श्याम लाल को जो है आके अपने दबंग लोग को 26 लोग लेकर असला शस्त्र से होकर के उन्होंने बाहरी लोग लेके हमारा खेत जुतवा डाला। उस पे कोर्ट का आदेश है कि यथास्थिति बरकरार बनाई रखी जाए, और थानेदार ने भी यही यथास्थिति दी थी। आपने इसकी शिकायत कहीं किया था? शिकायत इसके पहले मैंने 30 तारीख को किया था थाने में कि ऐसी मुझे संभावना है कि हमारे साथ ऐसी घटना घटेगी। फिर थानेदार ने मुआयना किया, अजीत सिंह दरोगा ने, उस पे यथास्थिति का उन्होंने लगाया, दोनों आदमी हिदायत दी गई दोनों आदमी को, फिर भी उस पे नहीं मान हुई। वो दबंग लोग आकर के अस्त्र शस्त्र से हमारा खेत जुतवा डाले, और जब मैं खेत को रोकने के लिए आया तो लोग हमारे ऊपर अस्त्र शस्त्र से हावी उठे। फिर मैं भागकर गांव वाले की गुहार लगाया, हमारा गांव हमारी पुकार सुनकर आया तो दबंग लोग भाग गए और ट्रैक्टर को समेत पकड़ा गया। 112 का हमने हिदायत दी, 112 यहां पे आई, ट्रैक्टर समेत हमको ले जाके भी ले गई थाने में। श्यामलाल हमारे विपक्षीगण को ले जाने के बाद में हमारे ऊपर भी 151 का चलान कर दिया गया। बाकी श्यामलाल के जो गण थे बाहरी लोग, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा गेहूं सब नुकसान हो गया, अब इसके लिए बताएंगे मैं क्या करूं, हमारे बच्चे क्या करें, क्या खाएंगे, भूखे मर जाएंगे, हम रोड पे आ जाएंगे, हम कहीं के नहीं रह गए हैं। सर यहाँ पे मतलब खेत बोया था और जबरदस्ती दबंगई गुंडई और बाहरी गुंडे आकर जबरदस्ती खेत जोता गया, ठीक है, इसमें हम लोग। खबर संभल से है, जहां पर नसबंदी ऑपरेशन के 2 दिन बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आशा बहू पर जबरन ऑपरेशन कराने का आरोप लगाया गया है। दरअसल गीता देवी ने स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर के नसबंदी कैंप में ऑपरेशन कराया था। परिजनों ने बिना पुलिस कार्यवाही के ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं आशा बहू ने इन आरोपों को गलत बताया है। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव शेडोरा में एक बच्चा अलाव जलाकर पड़ रहा था, जहां पर पास में ही रखी पराली में आग लग गई। आग की लपटों में पिता और बच्चे दोनों झुलस गए, जिसमें 13 पशु आग की चपेट में आ गए और एक गाय की मौत हो गई मौके पर। वहीं पशुओं की झोपड़ी भी जलकर खाक हो गई। प्रतापगढ़ के घाटमपुर मोड़ के पास कॉलोनी से लौट रही छात्रा को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि ट्रैक्टर चालक घटनास्थल पर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर स्कूल से निकली, उसके बाद ट्रैक्टर उधर पीछा लाग के आ रहा था, ट्रैक्टर वाला चढ़ा दिया, ट्रैक्टर तो उस लगे भाग लिया। लेकिन सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में 3 शातिर पशु चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जिनके कब्जे से 15 किलोग्राम डोडा पोस्त, पिकअप गाड़ी और अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वो लोग पिकअप गाड़ी से पशुओं को चोरी करके उनको बेचने का काम करते थे, जबकि गिरफ्तार अभियुक्तों पर पहले से शामली में कई मुकदमे दर्ज है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान में थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा रात में चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये पशु चोर हैं, ये यहीं पर प्लान करके पशु चोरी करने के लिए आए थे। इनकी जब तलाशी ली गई, ये एक पिकअप वाहन लेके आए हुए थे, जिससे ये पशुओं को लाना और ले जाना करते थे। इसके अलावा इनके पास से 2 तमंचे मिले हैं और कुछ इनके पास से डोडा पोस्ट मिला है। इन सभी मामलों के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराकर इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके गृह जनपद से जब इनकी जानकारी की गई तो इनके ऊपर
करीब दर्जन मुकदमे दर्ज हैं गौकशी चोरी और गैंगस्टर एक्ट के। ये लोग काफ़ी शातिर बदमाश हैं और ये बिहारीगढ़ द्वारा जो है एक सराहनीय इसमें रात्रि चेकिंग में कार्य किया गया है। इसमें आगे जो है उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।